के उद्योग नगर थाने इलाके में गुरुवार अलसुबह एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके चलते 30 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। गनीमत यह है कि फैक्ट्री में उस समय कोई मजदूर नहीं। दमकल की 4 गाड़ियों ने आधे घंटे में आग को पूरी तरह काबू पा लिया। अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि उद्योग नगर इलाके में इंडस्ट्रियल एरिया में एरोमेटिक नाम केमिकल फैक्ट्री है, जहाँ रुई से सेल्यूलोस पाउडर बनाया जाता है। फैक्ट्री में बुधवार को शटडाउन किया गया, इसके चलते फैक्ट्री में बुधवार में काम बंद था। गुरुवार तड़के फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। अंदर केमिकल होने की वजह से आग तेजी से फैली और जल्द ही मशीनरियों को चपेट में ले लिया। जब तक फैक्ट्री मालिक अजय गुप्ता को घटना की जानकारी लगी, आग काफी फैल चुकी। सूचना मिलने पर दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। अंदर काफी मात्रा में रुई थी, जिससे आग जल्दी फैली। दमकल कर्मियों के आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। गनीमत यह है कि फैक्ट्री में कोई भी मजदूर नहीं था और काम नहीं चल रहा था, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। फिलहाल आग की वजह से 30 लाख से ज्यादा का नुकसान होना बताया जा रहा है। कॉटन से सेलुलोज पाउडर बनाते हैं, सेलुलोज पाउडर की फैक्ट्री है जिसमें सेलुलोज पाउडर बनता है।